शीर्षक की देखिए बड़ी खबर आ रही है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राजधानी मार्ग पर स्थित सुषमा हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम में लगी आग, तस्वीर में आपको दिखा देख भी सकते हैं। सूचना के बाद भी आपको पता चले आधे घंटे तक नहीं पहुंचे गंगा घाट कोतवाली अस्पताल में के पास यहां पर मौजूद दुकानदार राहगीर की कड़ी मुशक्कत के बाद आपको घंटों भर में काबू पाया गया है। पूरी खबर आपको पता चले उन्नाव से आई है, जहां पर तस्वीर में दिखाया देख भी सकते हैं। गंगा घाट में बड़ी लापरवाही, नहीं उठाया फोन, कोतवाली में ही गंगा घाट में आग को बुझाने की मदद में यहां पर आपको पता चले कि लोगों को ही फटकर यहां पर भाग निकलने की कोशिश में जुटे हुए थे और शॉर्ट सर्किट की लगी आग के कारण ही लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूचना पर एक घंटे पहुंचे एसपी, एडीएम में पुलिस पहुंच। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं मोहम्मद इरफान खान की खास रिपोर्ट बागरमऊ उन्नाव से। मेरा नाम आलोक तिवारी है, मैं ऋषि नगर शुक्लागंज थाना गंगा घाट उन्नाव का निवासी हूँ। मैं रोड पे आ रहा था, मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहने वाला है अंकित शुक्ला, उसने सूचना दी कि सुषमा हॉस्पिटल में आगजनी हो रही है, आग लगी, काफ़ी भीषण आग है, मरीज निकल गया। तो मैं जा रहा था अपने दूसरे काम से, लेकिन मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी उठा के यहाँ पे आया। जब मैंने बाहर के हालात देखे तो उनको काफ़ी हालत ख़राब दिखे, तो मैंने यहाँ से बगल में उनका ट्रेलर था, उनकी छत से मैं वहाँ पर गिरा, वहाँ पर सीढ़ी में गिरा भी, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं रही। फिर मैं बगल में विनीता जी मैडम का है, वहाँ से मैं उनकी छत पर गया, शीशा वीशा तोड़ के हम लोग तीन लोग अंदर गए थे, जिसमें कि हम लोगों ने छः लोगों की जान ने बचाई, छः लोगों की जानों बचाने के साथ में, हाँ मतलब दो बाथरूम में भी थे, है ना, दो बाथरूम में भी थे, एक किचन में भी थी शायद, खाना बनाने जो भी हो आई डोंट नो। उसके बाद में मेरे साथ का ही एक पब्लिक का आदमी, मतलब मेरे साथ नहीं पब्लिक ही समझ लो, कोई फ्रेंड नहीं था, वो भी बेहोश हुआ, उसको भी उठा के हम लोग बाहर लेके आए। ये सब चीज़ रही, बाहर निकले मेरे हाथ में भी चोट लगी, काफ़ी ब्लीडिंग हुई है, ये हाथ में चोट लग रखी है, इसके बाद में ये मेरे हाथ से यहाँ भी कांच घुस रखा है। गंगा घाट क्षेत्र में शुक्लागंज इंडियन एरिया है, यहाँ पे सुषमा हॉस्पिटल है, यहाँ पे सूचना मिली थी कि बेसमेंट में आग लगी है। तुरंत यूपी 112 को सूचना दी गई थी और फायर के यहाँ से दमकल भी आ गई थी, और जो बेसमेंट की आग थी उसको कंटेन कर दिया गया वहीं पर ही, और जो ऊपर जो ये तीन मंजिला ऊपर तीन मंजिले हैं वहाँ से सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। जो मरीज़ यहाँ भर्ती थे उसको आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है, कोई कैजुअल्टी का अभी तक कोई सूचना नहीं है, और अभी जो अभी आग पूरी तरह से कंटेंड है और उसको हम लोग वेंटिलेट कर रहे हैं ताकि जो गैसें से धुआं है वो निकल रहा है, आग पूरी तरह से बुझा दी। सर अस्पताल के जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं क्या पूरे थे, ये जांच का विषय। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।